तो देखिए, मटर का सीजन चल रहा है और मटर के सीजन में अगर कोई चटपटी रेसिपी नहीं बनाई तो क्या बात है ना। मम्मी आज इसलिए लेके आई है सर्दियों की स्पेशल ये मटर की चटपटी रेसिपी। इसको ड्राई ग्राइंड करके हम दरदरा पीस के मम्मी ला रही है ना मम्मी। यस। तो देखिए वो लेके आ रही हैं और बना रहे हैं हम आज आपके लिए चटपटी एकदम रेसिपी। तो देखिए ड्राई ग्राइंड मम्मी ने कर लिया है, ये कर लिया है। हाँ, थोड़ा दरदरा ही रखना है अपने को इसमें। हाँ हाँ, इसमें निकाल दूंगी। सस्पेंस बना के रखा हुआ है हमने कि क्या बन रहा है, पर देखते रहिए ये रेसिपी। मम्मी ये शानदार मटर से बना रही हैं आपके लिए। एक पैन लिया है, एकदम नई रेसिपी आपके लिए पैटीज बना के हम लेके आ रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। ये मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब ये ऑयल गर्म हो गया अपना, इसमें मैं ये मटर डाल दूंगी। तो देखिए ऑयल गरम होके अब बना रहे हैं हम मटर और सूजी से। आज का दिन है कम इंग्रेडिएंट्स। मैंने बेसन डाला है 2 टीस्पून। अब इसको हम चलाएंगे। घर में जो अवेलेबल इंग्रेडिएंट है उससे मम्मी बनाने वाली है ये शानदार रेसिपी। मटर, बेसन और सूजी जो हर घर में रहती है। सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। हम आए हैं विद माय लवली मॉम विजय हल्दिया जी के संग आपको दिखाने के लिए ये जबरदस्त रेसिपी मटर, सूजी और बेसन की बनने वाली। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। स्पाइसेस डाल दियो, नमक डाल दियो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। ओके। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। ये गरम मसाला पाउडर है और ये पाव भाजी मसाला है। हाँ, 1 टीस्पून। इससे टेस्ट अच्छा हो जाएगा अपना। ये ग्रेटेड अदरक है। ओके। ये ग्रीन चिली, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। तो देखिए घर में जो इजीली अवेलेबल मसाले हैं वो हम यहाँ पर डाल रहे हैं, तो आप भी डाल सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए, कमेंट्स में बताइए। मटर से बना रही है मम्मी ये जबरदस्त रेसिपी। ग्रीन पीस का सीजन है, फ्रेश मटर है, हमने कुछ भी यहाँ पे नहीं करा, ना इसको बॉईल करा है ना क्रश करा है, दरदरा हमने इसको बस पीसा है जब तक ये हो रहा है। हाँ ये हो रहा है, इतने अपन अपना ये बस हो गया वैसे ये। हाँ हाँ, हाफ कुक करना है इसको और हाफ इसमें हो जाएगा इसमें। ये मेरा हो गया है। अब मैं इसको उतार रही हूँ। तो मम्मी उतार दी और आप देख सकते हैं ये चटपटी रेसिपी। तेल हमारा वहां पे पीछे फ्राई हो रहा है। ये मैंने गैस ऑन कर दिया है। इधर हम सूजी की तैयारी करते हैं, सूजी का डो बनाएंगे। हाँ हाँ, ये 2 बॉल मैंने पानी लिया है। तो पानी और तेल भी चढ़ा दीजिएगा, मल्टीटास्किंग आपको करनी पड़ेगी। तो मम्मी आप बिल्कुल रेडी हो ना, आज आपका दिन है कि कम इंग्रेडिएंट्स में आप कैसे टेस्टी बनाए। वो सूजी और मटर से ही बना रहे हैं, सूजी और मटर से बना रहे हैं जो हर घर में अवेलेबल होती है और आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। पानी हमारा यहाँ पर हम गरम कर रहे हैं, पानी गरम हो रहा है सूजी के लिए। अभी पानी गरम होगा तब तक हमारे मसाले को हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठंडा करेंगे। मसाला हमारा ठंडा हो रहा है तो अभी मम्मी से चलिए पूछते हैं। मम्मी उस दिन हमने आपसे पूछा था मटर का क्या क्या बनता है, तो बताइए सूजी से क्या क्या बन सकता है। सूजी से तो कुछ बना लीजिए आप, जैसे बिल्कुल कंप्लीट फूड है। हाँ, जैसे अगर टिफिन स्नैक्स में बनाना हो तो फटाफट 5 आइटम बताओ मम्मी आप। नहीं देखना है तो मेरे उसमें जाके देख लीजिए। आप बताओ मम्मी आपको। सूजी के देखो पैनकेक बनेंगे, सूजी के चीले बनेंगे, सूजी के पकोड़े बनेंगे, सूजी की कचौड़ी बनेगी, सूजी का हलवा बनेगा, सूजी की उपमा बनेगी, सूजी का उत्पम बनेगा, सूजी के अप्पे बनेंगे, सूजी के अप्पे बनेंगे, कुछ भी बना लीजिए। इडली जो आप बहुत टेस्टी बना के, इडली बनेगी और सूजी बॉल्स आप बना सकते हो स्टीम करके, सूजी ढोकला बना सकते हो। ये सब रेसिपीज मम्मी ने करी हुई है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। पानी अपने गर्म हुई, इसमें मैं 1 बॉल सूजी डाल रही हूँ। अब इसको हम चलाएंगे। तो चलाने के लिए मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, मैं अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। थोड़ा चिली फ्लेक्स डाला है मैंने और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम इसमें। ओके। 1/2 टीस्पून के करीब। तो देखिए यहाँ पर बना रहे हैं, बिल्कुल कैसा लग रहा है आपको मम्मी का खाना। कल गाजर का हलवा करा था हमने और बैंगन की ढाबे वाली सब्जी बनाई थी मम्मी ने। अब इसको चलाते रहिएगा, जरूरी है क्योंकि इसका डो हम यहाँ पे बना रहे हैं चटपटी रेसिपी। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, कमेंट्स में बताइए। जबरदस्त ये रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनती है। इकट्ठा हो जाएगा, इसका मतलब अपना डो तैयार हो गया, इकट्ठा होने लग जाएगा।
फिर मैं इसको नीचे निकाल लूंगी प्लेट में। तो मम्मी होने लग गया, हाँ ये होने लग गया, देखिए ये इकट्ठा हो गया, ये देखिए ये इकट्ठा हो गया अपना, तो इसका मतलब ये रेडी हो गया अपना डो। अब इसको देखिए गर्मा गर्म कढ़ाई कोई मम्मी ने उतार लिया, ये तो ठंडा करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। तो मैंने ये एक बैच ऑलरेडी बना के रखा हुआ है ये, क्योंकि इसको ठंडा करना है, और ठंडे में मतलब पूरा ठंडा नहीं करना, थोड़ा सा लुक वार्म रखना है, लुक वार्म थोड़ा सा हल्का सा, सूजी ठंडी होने में टूट जाएगी, बिगड़ जाएगी। हाँ तो देखिएगा हल्का सा गर्म रहना चाहिए, क्योंकि अभी तो बहुत गर्म है, तो एक बैच हमने देखिए बना के रखा हुआ है, हल्का सा गर्म है ताकि ये आटे के उसमें आ जाए, है ना। हाँ, आटा जैसी डो जैसी कंसिस्टेंसी, देखिए डो लग गया इसका पूरा। अच्छा अब आप बताइए सूजी से आप लोग क्या क्या बनाते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मम्मी ने यहाँ पे 12 आइटम बता दिए, आप भी उसमें बिना सोचे समझे। हाँ बिना सोचे समझे, ऑन द स्पॉट मैंने मम्मी का वो लिया था, एग्जाम लिया था। अब आप भी ऑन द स्पॉट बताइए सूजी से आप क्या क्या बनाते हैं, 12 आइटम मम्मी के, बाकी आइटम आप सबके बताइए। चलिए जल्दी जल्दी अब क्या कर रहे हैं मम्मी, गोल गोल बॉल बना रही हूँ इसके। देखिए अब आटा ऐसा आपका लग जाएगा ना सूजी का, तो फिर उसके बाद आप बना सकते हैं ये ऐसे गोल गोल बॉल्स। और अब आएगी आपकी चटपटी रेसिपी जो हर मेहमान को आप खिला सकते हैं, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ये आज हम बना रहे हैं सूजी की पैटीज आपके लिए। सूजी में मटर का हमने उसमें बेस लिया है, तो मटर की पैटी आप समझ सकते हैं, और सूजी से बना रहे हैं, हम मैदा से नहीं बना रहे अपना। और इधर आप ये मसाला हमारा ये ठंडा हो गया है, इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल रही हूँ मैं। अब हम इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे ऐसे। आपको भी देखिए देख के अच्छा लग रहा है, हरा हरा का सीजन चल रहा है अभी, विंटर्स में हरी सब्जियां आती हैं, और हरे मटर और धनिया के हम यहाँ बना रहे हैं। आपको भी मन कर रहा है खाने का, अभी मन कर जाएगा जब ये मम्मी डालेंगी। ये देखिए गोल गोल शेप ही हमें देनी है इसको। बॉल बना रहे हैं हम सूजी के, सूजी हाँ। मटर के बॉल, ये देखिए इसको अच्छे से लॉक कर लीजिएगा ताकि मसाला बाहर नहीं निकलेगा अपना। हाँ तो मम्मी वो हम तलने के लिए भी डालेंगे, क्योंकि इसको फ्राई कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो सिकती रहेगी मम्मी। टाइम लगता है इसको सिकने में? हाँ सिकने में सूजी थोड़ा टाइम लेती है। हाँ सूजी थोड़ा सा टाइम लेगी, तो इसलिए अभी हम डाल देंगे। तो मैं थोड़ा सा ये डाल के बताऊंगी, अपना तेल रेडी हुआ है, ये हो गया ऊपर आ गया। तो देखिए अगर अच्छा लग रहा है तो ये देखिए 12 आइटम आपको बता दिए, 12 दिन की आपको टेंशन खत्म कि 12 दिन हम क्या बनाएं। छोड़ रही हूँ बॉल को। हाँ क्योंकि देखिए इसको सीखने में भी टाइम लगेगा, इसको हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से सीखेंगे, तब तक मम्मी यहाँ पे बनाती रहेंगी दूसरी ये कचौड़ी भी आपके लिए, और आसानी से आप बना सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं मम्मी, ऊपर से तेल डाले ताकि ऊपर से भी कुक हो जाएगा साथ में। अच्छा जब तक हमारा ये कुक हो रहा है, और ये मैं ये दूसरा बॉल भी डाल दूंगी इसमें। और फ्लेम हमें मीडियम पे रखनी है। हाँ फ्लेम मीडियम पे, फ्लेम मीडियम पे रखनी है। देखिए अब आपका भी मन कर रहा है कि आज ही आप इसको सर्दी के मौसम में बना ले चाय के संग चटपटा नाश्ता ये, तो लाइक करिए कमेंट्स में बताइए, जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। बहुत सिंपल है सूजी का। अच्छा सूजी का ये जो हमने मिक्सचर बनाया है ठंडा भी बहुत जल्दी होता है, तो मम्मी कितने मिनट इसको ठंडा करना है? नहीं है 2 से 3 मिनट में ठंडा हो जाएगा। 2 से 3 मिनट में देखिए ठंडा हो जाता है ये। सूजी पानी भी बहुत पीती है, ठंडी भी बहुत जल्दी होती है। हाँ एग्जैक्टली। और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ब्राउन थोड़ा सा होने लगे, थोड़ा सा टाइम लेती है सीखने में। तो आप आराम से सेक लीजिए, आप आराम से मीडियम फ्लेम पे इसको सेकिएगा, जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। सीख गए बस थोड़े से। हाँ मम्मी होने देते हैं इसको, यहाँ पे देखिए हो रहे हैं अच्छे से। बस ये देखिए पूरा ब्राउन हो जाएगा ना, तब आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। अच्छे से इसको मीडियम फ्लेम पे सेकिएगा, बहुत टेस्टी आएगा, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखिए बन गए हैं हमारे ये सूजी मटर के बॉल यहाँ पे पैटीज आपके लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। अब मम्मी यहाँ पे सर्व कर देंगी और हम यहीं पर फिनिश करेंगे, और बनाएंगे खाएंगे एंजॉय करेंगे। बाय बाय एवरीवन।